आज कुकिंग चैलेंज का चौथा दिन है, तो आज मैं एक शेफ़ की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मेरे लोकल एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। वो एक बावर्ची करके रेस्टोरेंट में काम करते हैं और उनका अंडा करी लिटरली इस लोकल एरिया का सबसे ट्रेंडिंग अभी चल रहा है, तो मैं उन्हीं का डिश लेकर आई हूँ। तो उनके अंडा करी में क्या है कि वो अंडा में एक स्पाइरल कट लगाते हैं चाकू से, जो कि मैं अपने अंडा में लगाई हूँ। ये रेसिपी उनसे ही ये मैं पूछ के आई हूँ, फिर उसके बाद घर पे बना रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ इस वीडियो में पूरा देखिए कि उनकी रेसिपी में क्या यूनिक है, कि उनका जो अंडा करी है इतना ट्रेंडिंग आ रहा है। तो अंत तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए, और अगर पुराने हैं तो वीडियो को पूरा देख के लाइक कर दीजिए। तो चलिए आइए इसकी मेकिंग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अंडे को अच्छे से उबाल लेंगे और उसमें स्पाइरल कट लगाएंगे हल्के हल्के चाकू से, कि अंडा टूटे भी नहीं और उसमें एक सुंदर सा शेप आ जाए। फिर इसके बाद ये जब अंडा भुन जाएगा हम लोग का, फिर ये प्याज को काट के रखेंगे, और फिर तेल डालने के बाद उसमें हम लोग खड़े गरम मसाला, अदरक, फिर तेज पत्ता और प्याज ये डाल के अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। मेरा वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में इसे कर रखा है, लेकिन मेरा मोटो बस इतना है कि अपना बात को आप तक पहुंचाऊं, कि आप भी उनका जो रेसिपी है उसे अपने ये डिश में ट्राई कीजिए, और उनका जो फ्लेवर है उसे आप ये महसूस कीजिए। मतलब उनका अंडा करी में ऐसा स्वाद है, ऐसा स्वाद है कि मतलब आप एक बार खाओगे तो दोबारा तिबारा उनके पास ज़रूर जाओगे खाने के लिए, एकदम गारंटी वाली बात है। यहाँ पे आपको पता है ये हम लोग भी ये होता ना, रैंडमली उनके रेस्टोरेंट में चले गए, और उस दिन मतलब फ्राइडे का ये दिन था, हम लोग सोचे क्या खाए, तो एक एक किसी बंदे को बोलते हुए सुना था, भाई आज यहाँ पे अंडा ही करी खाएंगे, यहाँ का बहुत अच्छा होता है। तो हमने वो बात सुन लिया उसके मुँह से, तो फिर ज़्यादा तो नहीं पर 2 पीस का ही हम लोग ऑर्डर किए। लेकिन जब उसका टेस्ट लगा मुँह पे, क्योंकि घर पे तो जो हम लोग बनाते सो बनाते तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जो उसका टेस्ट था वो भाई अल्टीमेट था। मतलब शेफ़ अगर सामने रहते तो उनका पैर छू लेती मैं, कि बस मुझे अपनी शिष्य बना लीजिए। तो किसी किसी के हाथ में होता है ऐसा ये जायका जो शेफ के हाथ में था। तो प्याज को हम लोग को वो एक चीज़ बोले थे कि प्याज जब भी भूनो तो मीडियम टू लो फ्लेम में, और प्याज में एक चीज़ है, इसे तब तक भूनो जब तक आपका प्याज ये मतलब ये 100 से 40% पे ना जाए। मतलब अगर आपका ये आधा कढ़ाई अगर प्याज है तो कम से कम आधा, ये आधा का आधा उससे भी थोड़ा कम आ जाए, तब आप समझो कि आपका जो प्याज है वो अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो ये प्याज का फ्राई करने का बेसिक तरीका। तो वो बोले कि बेसिक तरीका तो है भी लेकिन कुछ और भी है। फिर इसमें ये मैंने ये खड़े मसाले डाले, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, देगी मिर्च, फिर उसका कस्तूरी मेथी का जो लीफ होता है उसे थोड़ा सा इसमें ये मिला दिया था मैंने, और ये अंडा करी का एक मसाला भी आता है तो वो मैं उन्हीं से लेकर आई थी, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और सब कुछ डालने के बाद गैस को तेज कर देना है। तेज इसीलिए करना क्योंकि जो जो मसाला हम लोग डाले हैं उसमें पानी भी है, तो पानी सूखने के लिए फ्लेम को ये ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा नहीं रहेगा तो मसाला जो है वो भून नहीं पाएगा इसीलिए। और इसमें अगर आप चाहे तो थोड़ी सी घी भी ऐड कर सकते हैं या बटर ऐड कर सकते हैं। हम लोग को थोड़ा सा बटर, ये हम लोग बटर ऐड भी करवाए थे, ऐसे वो ऑप्शन में रखते हैं। तो बटर ऐड करने के बाद तो टेस्ट ऑटोमेटिक एनहेंस होता है, लेकिन आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसका टेस्ट कहीं नहीं गया। आप इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत अल्टीमेट ये रेसिपी है। अगर आपके पास अंडा अंडा करी मसाला ये अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी गरम मसाला, चिकन मसाला या कोई भी मसाला हो आप उसको यूज़ कीजिए। और एक बार इस तरीके से अंडा में स्पाइरल कट लगा के ज़रूर
ट्राई कीजिएगा कि अंडा में एक होता है ना कि जब फ्राई करते हैं और उसे ये मतलब ग्रेवी में भी डालते हैं तब भी मसाला उसके अंदर तक नहीं जाता है, लेकिन जो शेफ़ इसमें स्पाइरल कट लगाए हैं इससे क्या होगा कि जो मसाला है उसके एकदम रोम रोम में बस जाता है। तो किसी काम में अगर हम लोग जान लगा दें तो वो काम अद्भुत हो जाता है। यही किस्सा उनके साथ है कि वो मेहनत तो हर चीज़ में है लेकिन उस चीज़ में वो अपने जान लगा देते हैं कि बस वो चीज़ अनोखी बन जाए। तो ये उनकी अनोखी जो चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ जो कि बहुत ज़्यादा प्रीसियस है उनके लिए। और एक चीज़ मैंने उनमें ये भी देखा है कि खाना बनाने से वो कभी उबते नहीं हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ परफेक्शनिस्ट। वो बोलते हैं कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपका जो ये एक शांत दिमाग होता है सब कुछ वही करवाता है। अब देखिए मैं मसाला भी भून चुका था, अब इसमें हम लोग अंडा को डाल देंगे। अब देखिए इसमें कितना खूबसूरत लग रहा है वो कट, है ना। तो इसमें आप थोड़ा सा अगर धनिया पत्ता है तो वो भी डाल सकते हैं, या मेरे पास कस्तूरी मेथी था तो कस्तूरी मेथी को अच्छे से रोस्ट करने के बाद ही डालें। मैंने रोस्ट करने के बाद ही डाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।